स्टूडेंट यहाँ पे देखिए क्लासेस के सिस्टम पढ़ा रहे हैं हम आपको। तो आपने देखिए कल पैराथिकेस के बारे में पढ़ा था ना, अब यहाँ पे आपको पैराथिक टूल पढ़ना है, पैरालिथिक टूल्स बारे में यहाँ से स्टार्ट करना है। स्टोन वाज ए वाइडली यूज्ड मटेरियल फॉर मेकिंग टूल्स एंड वेपन्स बाय द हंटर गैदरर्स। दे ऑल्सो यूज्ड वुड बोन्स एंड एनिमल हॉर्न्स फॉर मेकिंग टूल्स। देखिए उस समय के लोग अधिकांश जो क्या करते थे, आपके लकड़ी, हड्डियों और एनिमल हॉर्न्स का यूज करके टूल्स बनाते थे। दिस टूल्स वे यूज फॉर कटिंग मीट एंड फ्रॉम बोन्स, टू स्क्रैप बार्क फ्रॉम ट्रीज एंड हाइड्स फ्रॉम एनिमल्स, एंड फॉर चॉपिंग फ्रूट्स एंड रूट्स। इंटायरली द टूल्स वेयर वेरी क्रूड एंड वेयर मेड ऑफ फ्लिंट स्टोन दैट चिप्स इजिली। सच टूल्स हैव बीन फाउंड नियर द रिवर बेड्स इन पंजाब एंड द कृष्णा कश्मीर वैली इन इंडिया। अब यहाँ देखिए जो टूल्स होते थे इसका यूज अक्सर वो मीट काटने के लिए करते थे। मीट को जब मीट में जो हड्डियां लगी होती थी उन्हें बोन से अलग करने के लिए करते थे, पेड़ की छालों को छीलने के लिए करते थे, जानवरों से छिपने के लिए करते थे, और साथ में फ्रूट्स और रूट को काटने के लिए भी इस्तेमाल करते थे। और देखिए जो उसमें पैरोलिथिक एज में जो टूल्स बनाते थे उस स्टोन के, वो बहुत क्या क्रूड होते हैं, बहुत ही न्यूक्ले नहीं होते थे, लेकिन क्या आता था वेयर मेड फॉर्म। और वो उस समय के जो टूल्स बनते थे वो फिल्ड नाम के स्टोन से बनाए जाते थे, और इससे टूल्स जो होते थे बहुत आसानी से वो चपटे टाइप में वो होते थे, जो बहुत ही नुकीले होते थे उस समय। और ये देखिए ये टूल्स के कुछ हमें रिमेन्स मिले हैं जो कि रिवर बेड्स में मिले, रिवर के तलछट में जमे मिले हैं, वो पंजाब और कश्मीर वैली में देखने को मिले हैं। अब देखिए कोर टूल्स, अब देखिए कोर टूल्स क्या था, स्टोन टूल्स वेयर ऑफ टू काइंड्स। स्टोन टूल जो होते थे पैरोलिथिक केज में टू टाइप्स के होते थे, कोर टूल्स एंड फ्लैट टूल्स। अब देखिए कोर टूल्स क्या होता है, कोर टूल्स वेयर मेड बाय चिपिंग ऑफ प्लेसेस फ्रॉम चंक ऑफ रॉक एंड पेबल्स। दिस पेबल्स ऑफ रॉक फ्रॉम विच द टूल वाज टू बी मेड वाज हेल्ड इन वन हैंड, अनदर स्टोन और ए पीसेस ऑफ वुड और बोन्स वॉज यूज एज ए हैमर एंड वॉज हेल्ड इन द अदर हैंड। अब यहाँ देखिए दूसरे जो कोर टूल्स जो होते थे वो आपके एक तरह से चिपिंग ऑफ पीसेज ऑफ चंक ऑफ रॉक, रॉक और पेबल के छोटे छोटे पीसेस को या क्या चिपिंग उसे कि उसके बारीक होने के उसको चपटा करके बनाते थे, उसको खुले खुले चपटा कर देते थे, फिर ये बनाते थे। और उसमें देखिए क्या था, उसमें जो पेबल और रॉक जो होते थे वो क्या होते थे, आपकी तरह से आपको उसमें हत्था लगा देते थे, जिसे वो हैमर कहते थे, हथौड़ा कहते थे, इसका भी वो यूज करते थे। द सेकेंड स्टोन वॉज यूज टू स्ट्रीक ऑफ फ्लैक्स फ्रॉम द फर्स्ट। सबसे पहले जो देखिए यूज किया गया था स्ट्रीक ऑफ फ्लैक्स, उसे हम सबसे पहले जो सेकेंड स्टोन के रूप में यूज किया गया था वो आपका था स्ट्रीक ऑफ फ्लैक्स था। टिल रिक्वायर्ड सेप वॉज ऑब्टेन, लेकिन इनके बाद धीरे धीरे जब वो जितने डेवलप्ड होते गए ऐसे ऐसे क्या थी अपने टूल्स को शेप देते गए। द स्टोन दैट वॉज लेफ्ट आफ्टर चिपिंग वॉज कॉल्ड कोर, बाद में क्या थे जब वो उसे चिप कर देते थे, उसे त्रास देते थे, तब उसे वो कोर कहते थे। कोर टूल्स वेयर यूजली ओवल और पियर शेप, ओवल और पियर शेप में होते थे, और दे ओवली यूज फॉर, इसका खास तौर पर ये लोग कोर टूल का यूज करते थे कटिंग ट्रीज एंड डिगिंग आउट रूट्स एंड ट्यूबर्स फ्रॉम द अर्थ, पेड़ को काटने के लिए करते थे, रूट्स को निकालने के लिए, और क्या जो आपकी जो गांठ होती थी अर्थ के नीचे उस गांठों को निकालने के लिए इसका यूज करते थे। अब देखिए फ्लैग टूल्स है, फ्लैग टूल्स वेयर मेड फ्रॉम द शार्प पीसेज और फ्लैग दैट ब्रोक ऑफ वाइल मेकिंग कोर टूल्स। देखिए फ्लैग टूल्स ऐसे टूल्स होते जो क्या थे कोर टूल की अपेक्षा ज्यादा शार्प होते थे, धारदार और नुकीले होते थे, जो आपके फ्लैग बनेगी ये कि जो फ्लैग टूल्स होते थे वो आपके कोर टूल से ही बनाए जाते थे, यानी कोर टूल के टूटने पे जो बारीक सा हिस्सा निकलता था वही फ्लैग टूल में वो यूज करते थे। ए फ्लैग ऑफ स्टोन दैट वॉज टू सेव्ड एज ए टूल वॉज प्लेस्ड ऑन हार्ड सर्फेस, यहाँ पे ये फ्लैग स्टोन जो होता था एक हार्ड सर्फेस था उसे वो सेव देते थे, जो कि आपके हार्ड सर्फेस मैंने जो कठोर में जो टूटते नहीं तो त्रास उसे त्रास त्रास के वो नुकीला सा बारीक सा बनाते थे। एंड ए पॉइंटेड पीसेज ऑफ स्टोन और वुड वॉज प्लेस्ड ऑन ए चिसल, और क्या उसमें एक लकड़ी का हत्था भी लगाते थे
द अनादर पीसेज ऑफ स्टोन वॉज यूज एज हैमर टू गिव द डिजायर्ड शेप. फ्लैट टूल्स वेर यूज फॉर चॉपिंग मीट एंड स्किनिंग एनिमल. मीट को काटने के लिए करते थे और साथ में स्किन को यानी खाल को उतारने के लिए इसको इस्तेमाल करते थे. अब देखिए आगे आपको पढ़ना है डिस्कवर ऑफ फायर. देखिए यहाँ पे आपको पढ़ना है डिस्कवर ऑफ फायर पढ़ना है. फायर वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिस्कवरीज ऑफ द पैरोलिथिक एज. देखिए फायर जो था हमारे पैरोलिथिक एज की बहुत ही महत्वपूर्ण खोज हुई थी और बहुत महान, क्योंकि आपकी खोज के बाद और भी डेवलप्ड हो गए थे हमारे ईयरली में. क्या आपकी खोज से उन्हें बहुत चीजों से सुविधा मिली थी, जैसे कि वो ठंडक से अपने आप को बचा रहे थे, बड़े बड़े जानवर जो थे आपको देख के भाग जाते थे, वो जहाँ रहते थे अंदर केव वगैरह में वहां पे उन्हें रोशनी करने की मिलती थी. फिर क्या आपकी जब खोज हुई तो उन्होंने अपने खाने को भून कर ने अपने जो भी खाना था वो खाते थे उस समय, वो लोग पका के उसे खाना सीखे. तो ये ट्रेस ऑफ एस हैव बीन फाउंड एट सम पैरोलिथिक साइट्स व्हिच लेड अस टू कंक्लूजन दैट ह्यूमन बीइंग्स हैड लर्न हाउ टू मेक फायर ड्यूरिंग द पैरोलिथिक एज. कहीं कहीं कुछ जगह खुदाई के दौरान हमें राख मिली है, ठीक है, वहां पे ऑफिस में राख मिलती है. पैरोलिथिक एज के लोगों को क्या था, पता था कि आग कैसे जलाई जाती है. फर्स्ट वॉज प्रोबेबली एन एक्सीडेंटली डिस्कवरी वाइल रबिंग टू पीसेज ऑफ स्टोन और वुड टूगेदर. देखिए स्पार्क मस्ट हैव बीन प्रोड्यूस द अर्ली ह्यूमन माइंड हैव रियलाइज दैट दिस स्पार्क्स क्रिएटेड फायर विच कुड बी यूज टू स्केयर विल्ड एनिमल्स टू कुक मीट प्रोवाइड लाइट एट नाइट एंड कीप देम वार्म इन विंटर. अब देखिए अब से देखिए आग की जो खोज एक्सीडेंटली अचानक हुई थी, क्योंकि उन्हें नहीं पता थी आग कैसे जलाई जाती है. देखिए जब आग लगी उनके आसपास उन्होंने देखा किस तरह से, तो उन्होंने जब वो पत्थरों को तराशते थे दूसरे पत्थर से तो चिंगारी निकलती थी. तब क्या होने लगी, चिंगारी किसी सूखे पत्ते ड्राई लीव्स वगैरह गिर जाती थी तो वही आग पकड़ लेता था. इस तरह से उन्होंने आग जलाना सीखा और इन्होंने आग का यूज भी भरपूर किया था ठंडक से बचाने के लिए, अपने खाने को भून के अपने खाने को बनाने के लिए, अपने कमरे अपने शेल्टर में उजाला करने के लिए, साथ में भी एनिमल्स को आग की वजह से वो डराते भी थे, उसे भगाते भी थे. अब यहाँ देखिए कुछ क्वेश्चन इसका आंसर आप दोगे. मेसोलिथिक एज, अब देखिए मेसोलिथिक एज में क्या है. द मेसोलिथिक एज और द मिडिल स्टोन एज बिगेन आफ्टर द पैरोलिथिक एज व्हेन द क्लाइमेट स्टार्टेड गेटिंग वार्मर. द मेसोलिथिक एज फॉल्स बिटवीन द एंड ऑफ द लास्ट आइस एज एंड द बिगिनिंग ऑफ द एग्रीकल्चर. इट वॉज ए पीरियड ऑफ ट्रांसिशन. अब यहाँ देखिये मेसोलिथिक एज जो था ये तरह से मिडिल स्टोन एज वो आपके पैरोलिथिक एज के खत्म होने से स्टार्ट होता है. उस समय आपकी जो क्लाइमेट वहां थी बहुत ज्यादा गर्म होना शुरू हो गई थी और वहां पे जो सारे आइस एज थे वहां पे एज फॉल्स बिटवीन द एंड ऑफ लास्ट आइस एज, वहां पे जो बर्फ जमे होते धीरे धीरे क्या तो बर्फ पिघलना शुरू हो गया था. इन द बिगनिंग ऑफ इस बिगनिंग ऑफ द मेसोलिथिक एज के स्टार्टिंग में लोगों ने थोड़ी बहुत खेती करना सीखा था, लेकिन इसके बाद आप देखोगे मेसोलिथिक पीपल लिव्ड बाय हंटिंग गैदरिंग एंड फिशिंग व्हाइल ऑर्डर टूल्स ओल्डर टूल्स वेर स्टिल इन यूज ह्यूमन बिगेन लर्न टू मेक बेटर टूल्स ड्यूरिंग दिस पीरियड. अब देखिए मेसोलिथिक एज में लोगों ने शिकार भी किया, गैदरिंग भी की और क्या फिशिंग भी की. उस समय के जो आपके मेसोलिथिक एज के जो टूल्स होते थे पैरोलिथिक टूल की अपेक्षा ज्यादा शार्पर और ज्यादा इडित मानी नुकीले धारदार होते थे. मेसोलिथिक एज सॉ द इंट्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टोन टूल्स कॉल्ड मैक्रोलिथ. देखिए मेसोलिथिक एज में ही एक टूल का हुआ इस्तेमाल किया मैक्रोलिथ जिसे कहा जाता था. उन्होंने विभिन्न प्रकार के स्टोन का यूज किया और उस स्टोन को मैक्रोलिथ कहते थे. मैक्रोलिथ स्मॉल होता था, पैरोलिथिक एज की अपेक्षा मेसोलिथिक एज के जो स्टोन टूल होते थे वो छोटे होते थे पैरोलिथिक एज की अपेक्षा. मैक्रोलिथ वेरीज यूजली स्मॉल स्टोन टूल्स फिक्स्ड ऑन द हैंडल ऑफ बोन और वुड टू मेक टूल्स सच एज स्पीयर एरोज एंड सो. और जो मैक्रोलिथिक स्टोन जो होते थे उन्हें वो लकड़ी या हड्डी के हत्थे से लगाते थे, इससे क्या था उन्हें आसानी से वो किसी चीज पे वार करते थे, जैसे कि किसी चीज को काटने के लिए स्पीयर भाला बनाते थे, एरो मतलब धनुष बनाते थे, तीर बनाते थे और क्या सॉ मतलब जानती सब बनाते थे इसी चीज को. दिस न्यू टूल्स एंड वेपन्स इम्प्रूव द टेक्निक ऑफ हंटिंग एंड गैदरिंग फूड. इस तरीके से ये न्यू जो नए औजारों की
खोज हुई, उन्होंने क्या किया उनके हथियारों को और भी इम्प्रूव कर दिया और भी अच्छा बना, जिससे क्या उन्होंने अपने हंटिंग और गैदरिंग शिकार को और भी अच्छे तरीके से रुक कर रहे थे। ग्रेजुअली पीपल बिगेन यूजिंग वाइल्ड ग्रेन्स एज फूड एंड देन स्टार्टेड डोमेस्टिकेटिंग एनिमल। दिस काइंड ऑफ एक्टिविटी लेड देम टू सेटल इन वन प्लेस फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। बाय द एंड ऑफ नेसोलिथिक एज ह्यूमन बिगेन सीम्स टू बी मूविंग टुवर्ड ए मोर सेटल लाइफ। अब देखिए ग्रेजुअली अब जब लोगों ने शिकार करना सीखा तो उसमें क्या आउटडोर धीरे धीरे वो लोग डेवलप हो रहे थे। अब क्या था उन्होंने देखा कि जो जंगली घास वगैरह होते थे उन्होंने उसे क्या किया अपने वो देखे कि अगर इन्हें हम इनके बीच को छींटेंगे जहाँ भी वहां पे भी आपके पेड़ उगाएंगे। और क्या इसके से उन्होंने अपने आसपास को जंगली घासों वगैरह को उन्होंने उगाना सीख लिया अपने आसपास को। और क्या उन्होंने उस मेसोलिथिक एज में आपकी गर्ली में उन्होंने जानवरों को डोमेस्टिकेट करना सीखा, यानी कि जानवरों को पालना सीखा। और क्या था उन्होंने इस तरह से जब इतना काम करे तो इससे उन्हें लगा कि हम क्यों ना एक जगह सेटल हो जाए कि जहाँ पे मैं ढेर सारे एनिमल्स को वो बांधते थे जो डोमेस्टिकेट करते थे वहां पे कोई दूसरा एनिमल आके उन्हें खा जाता था। डर से क्या थे वो जहाँ पे वो अपने जानवरों को रखते थे वहीं की उसे उधर उसी के आसपास वो रहते थे। इससे क्या था उन्होंने सेटल होना सीखा। और क्या था एक लॉन्गर पीरियड के बाद क्या था इसके लिए बहुत समय लगा। और क्या हो जब मेसोलिथिक का धीरे धीरे जब वो खत्म के कागार पे था तो ह्यूमन आपके उस समय के आदिवासियों ने देखा कि अगर हम सेटल होना चाहते तो हमें एक समूह में एक जगह साथ रहना पड़ेगा। अब आगे देखिए है रॉक आर्ट। वन रॉक आर्ट देखिए क्या है वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ द अर्ली ह्यूमन आर द रॉक पेंटिंग ऑफ द स्टोन एज फाउंड अराउंड द वर्ल्ड। The early humans painted on cave walls. Many of these paintings have survived to the present day. The paintings mainly portrayed animal figure. देखिए उस समय के जो लोग होते थे वो खाली टाइम में अपने उस रॉक पे ही पेंट करते थे। और क्या उसमें कुछ खास हमें कुछ इम्पोर्टेंट सोर्सेज दिखेगी हमारे जो अर्ली ह्यूमन थे वो रॉक पेंटिंग यानी स्टोन उसमें वो अपने आसपास की चीजों को अपने जहाँ रहते थे उसी के वॉल्स पे वो ड्रॉ करते थे। और खास तौर पर उसमें जो पेंट होता था अपने केव वॉल पे पेंट करते थे। और उस पेंटिंग में खास तौर पे वो जो देखते थे अपने आसपास एनिमल्स को ह्यूमंस को उसी को वो ड्रॉ करते थे। और उनमें से कुछ पेंटिंग आज भी हमें देखने को मिलती हैं। और क्या करते थे ये पेंटिंग में खास तौर पे जो पेंट किया गया उसमें खास तौर पे वो एनिमल्स के फिगर को उन्होंने पेंट किया था। In India, several paintings have been discovered at the Bhimbetka cave in Madhya Pradesh. These caves are also listed in a UNESCO World Heritage Site. The painting here show mostly animal either as a part of hunting scene or separately. Birds, fish, crabs, frogs and scorpions were also painted. यहाँ पे देखिए बेटा यहाँ पे जो आपकी जो अधिकांश जो पेंटिंग मिली जो खोजी गई है वो आपकी भीमबेटका केव में मिली है जो कि मध्य प्रदेश में आता है। और इस केव को यूनेस्को ने अपने वर्ल्ड हेरिटेज साइट के में इसका नाम दर्ज करवा दिया है। और देखिए इस पेंटिंग में खास तौर पे आपके एनिमल्स की ही पेंटिंग देखने को मिले हैं कि किस तरह से एनिमल्स की और उस समय के लोग किस तरह शिकार करते थे जानवर का वो भी था। इसके अलावा तरह तरह के बर्ड्स के फिश के क्रैब के फ्रॉग और स्क्रॉपिंस के भी पेंटिंग वहां पे हमें देखने को मिली है। मीनवाइल टू कलर्स वेयर मेड फ्रॉम रॉक एंड नेचुरली अवेलेबल मिनरल्स रेड एंड व्हाइट वेयर द मोस्ट कॉमनली यूज कलर। देखिए उस समय जो पेंट करते थे हमारे मेसोलिथिक एज में लोग देखिये उस समय जो वो कलर बनाते थे वो रॉक और नेचुरली होता था यानी फ्लावर्स वगैरह से रॉक को मैंने कि दरदरा पीस के जो कलर बनाते उसका बनाते थे। उस समय मिनरल से उस समय जो रॉक में जो मिनरल अवेलेबल होते थे उसी मिनरल से भी कलर बनाते थे वो लोग। और उसमें खास तौर पे जो कलर यूज करते थे वो होता था रेड एंड व्हाइट इसी कलर का वो मोस्टली यूज करते थे। देखिए तो ये आपका ये चैप्टर ये खत्म हो गया इसको पढ़िएगा आप लोग ये आंसर ऑलरेडी इसको दे देंगे। इसके बाद देखिए इसमें मीन वाइल में देखिए दिखाया गया है मोर देन 200 साइट्स ऑफ रॉक आर्ट हैव बीन फाउंड इन फ्रेंच एंड स्पेन। स्पेन और फ्रेंच में लगभग 200 से अधिक साइट्स में ये आपके रॉक आर्ट देखने को मिले। इसमें से इम्पोर्टेंट साइट जो है यहाँ पे लेक्सिक्स इन फ्रांस एंड
अल्टामिरा इन स्पेन, ये दो ज्यादा फेमस है। दिस पेंटिंग्स आर बिलीव टू बी 20,000 to 17,000 ईयर्स ओल्ड, मिसरा 17,000 साल ये पुराने पेंटिंग्स हैं। और इन्हें क्या कही, इन्हें आपके एंड हैव बीन डिक्लेयर, इन्हें घोषणा कर दी गई है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में इसे रखा जाएगा। द लक्सेस साइट्स वाज डिस्कवर्ड बाय द फोर टीनेजर्स इन 1940, इसे 1940 में खोजा गया था। और देखिए द पेंटेड वॉल्स ऑफ द इन करंटेड सीरीज ऑफ द केव्स इज लक्सेस कंटेन सम ऑफ द मोस्ट रिमार्केबल क्रिएशन ऑफ रॉक आर्ट फ्रॉम द पैलोलिथिक केव्स। केस की ये एक अच्छी सी क्रिएशन, एक अच्छी सी आपकी रचना है। मोस्ट ऑफ द पेंटिंग आर ऑफ एनिमल फाउंड इन द सराउंडिंग एरिया, वहाँ पे अधिकांश आपकी इन एनिमल्स की ड्रॉ को देखा गया है जो उसके आसपास रहते थे, सच एज हॉर्सेस, बिसंस, मैमथ, वोल्फ, रेनडियर, रेनासोरसेस एंड ऑरोच, ए लार्ज बिल्ड फॉक्स ऑफ द पास्ट। ऑरोच था एक बड़ा सा बिल्ड फॉक्स था जो की पास्ट में था, लेकिन अभी फिलहाल वो नहीं है। देर इज हाउ एवर वन ह्यूमन इमेज, वहां पे कोई भी एक मनुष्य की कोई भी तस्वीर नहीं मिली है। द पिगमेंट्स यूज टू पेंट लक्सेस एंड अदर केव्स वेयर डिराइव फ्रॉम रेडली अवेलेबल मिनरल्स लाइक आयरन ओर एंड चारकोल, वहां पे जो यूज किया था पेंट का उसमें खासतौर पर जो पेंट यूज करते थे वो लोग आयरन ओर था और चारकोल था। दे इंक्लूड ब्राइट कलर्स लाइक रेड, येलो, ब्लैक, ब्राउन एंड व्हाइट, इसका यूज करते थे। तो आपका ये चैप्टर एंड हो चुका, आप इसको रिकैप को पढ़ेंगे थॉरली और फिर कल जब आपकी फिर डाउट सेशन क्लास होगी तो इस चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप हमसे क्लियर फिर उसे पूछेंगे उस टॉपिक।